हेलो ब्यूटीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये चिक्स पहली बार देख रहे हैं सो हे वेलकम टू माय चैनल माय नेम इज़ नेमानिया सो आज का वीडियो है इससे पहले ना मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था माय वेट गेन जर्नी का तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि एक अलग से ना वर्कआउट वीडियो और डाइट प्लान अपना डाल देना कि क्या क्या खाते थे वेट गेन करने के लिए तो वो डाइट प्लान वाला वीडियो तो मैंने डाल दिया था पर वर्कआउट वीडियो रह गया था तो आज का वीडियो उसी पर है तो मैं आज बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सा वर्कआउट किया था अपने एंटायर वेट गेन जर्नी पे तो आप स्टेट रहे और मैं और आप जैसे कि जानते ही हो कि सिर्फ खाने वाने से नहीं हो सकता वर्कआउट भी करना पड़ेगा हेल्दी डाइट लेना पड़ता है और साथ में एक अच्छे से वर्कआउट भी करना पड़ता है ताकि अच्छे से वेट गेन हो और वो अच्छे से मेंटेन रहे तो मैं आज बताऊंगी कि मैंने क्या क्या वर्कआउट किया है ताकि आप भी अच्छे से वेट गेन कर सके तो चलिए वेट स्टार्ट करते हैं तो so, मैं सारे पॉइंट्स नोट करके आई हूँ ताकि मैं कुछ भी मिस ना कर दूँ दिख रहा है तो मैं सारे नोट्स लिख के आई हूँ ताकि मैं कुछ भी मिस ना करूँ ताकि आप अच्छे से अपना वेट गेन कर सके मेरे जैसे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मैं बता देती हूँ मैं वर्कआउट के साथ साथ ना जुम्बा डांस भी करती थी तो हाफ़ आवर के लिए मैं वर्कआउट करती थी और हाफ आवर के लिए मैं जुम्बा डांस करती थी तो मैं उसके लिए कुछ क्लास व्लास नहीं जाती थी मैं घर पर ही करती थी वीडियोज़ देख के सो तो मैं पहले एक्सरसाइज बता देती हूँ तो मैं एक्सरसाइज का यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी तो आप समझ जाना कि कौन सा एक्सरसाइज को कैसा करते हैं तो यहाँ

तो शुरू में उसके बाद आप ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हो शुरू शुरू के लिए वन वन मिनट के लिए आप ये करना जितना तो कर सकते हो उतना करना तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज था फिर सेकेंड एक्सरसाइज था ग्लड ब्रिज तो ग्लड ब्रिज के लिए हमें ऐसा करना है सरफेस पे लेट जाना है उसके बाद फिर अपना स्टमक को स्टमक ये जो स्टमक फ्लोर पे उसे आप उठाना है ऊपर उसके बाद हमें करना है ग्लड ब्रिज तो आपको ऊपर जब उठोगे ना तो उसको टू थ्री सेकंड के लिए ना होल्ड करके रखना है वो पोजिशन को उसके बाद फिर अपने नॉर्मल पोजिशन में आना है फिर आप होना है उसके बाद फिर टू थ्री सेकेंड्स के लिए उसको होल्ड करके रखना है उसके बाद फिर नीचे आना है तो ऐसे करते हैं ग्लड ब्रिज तो इसे मैं करती थी मेरे को लग रहा है वन मिनट या टू मिनट से करती थी मैं इसको बस उसे ज़्यादा नहीं करती थी उसके बाद फिर थर्ड है नीलिंग uh, स्क्वाड तो नीलिंग स्क्वाड के लिए हमको नील डाउन करना है यहाँ मैं लगा देती हूँ इमेज ये ऐसे करते हैं तो हमें उसके लिए नील डाउन करना है उसके बाद फिर अप आना है फिर नील डाउन होना है फिर अप आना है तो ऐसे ही मैं करती थी टू मिनट्स के लिए ये वाले वर्कआउट को भी उसके बाद है सिंगल लेग ग्लट ब्रिज तो सिंगल लेग ग्लट ब्रिज का वीडियो ऐसा है ये तो बहुत ईजी है तो इसको मैं करती थी टू मिनट्स के लिए सिंगल लेग ग्लट ब्रिज को उसके बाद फिर स्क्वाड किक बैक था तो स्क्वाड किक बैक भी ईजी है जैसे स्क्वाड करते हैं वैसे ही नीचे होना है स्क्वाड में स्क्वाट करना है उसके बाद फिर किक बैक करना है तो यहाँ पे मेजर तो सारे ये जो अच्छा मैं बता देती हूँ ये ना एक्सरसाइज टू टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ना तो फर्स्ट वाला जो है वो अप लोअर बॉडी के लिए है और जो सेकंड वाला पार्ट है वो अपर बॉडी के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ना हम लोग वेट गेन कर रहे हैं पर सिर्फ स्टमक में ही सारा वेट आ रहा है और बाकी बॉडी में कुछ असर नहीं हो रहा है तो उनके लिए है ये वर्कआउट तो मैं भी इसीलिए वर्कआउट करती थी ताकि पूरे बॉडी पर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वर्कआउट तो ये जो मैं भी बताई जितने भी वर्कआउट ये सब नीचे लोअर बॉडी के लिए है ठीक है उसके बाद फिर अपर बॉडी के लिए मैं क्या करती थी अपर बॉडी मतलब चेस्ट एरिया के लिए तो अपर बॉडी के लिए है वॉल प्रेस टेक्निक तो वॉल प्रेस टेक्निक करती थी मैं ये बहुत ही इजी है बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा इमेज में देख लीजिए कि ऐसे करते हैं वॉल प्रेस टेक्निक बहुत ही इजी है ये तो आप कभी भी कर सकते हो जब फ्री टाइम मिले तब कर सकते हो तो ये वाला एक्सरसाइज मैं करती थी उसके बाद फिर था पुशअप तो आप या तो वॉल ब्रिज एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर पुशअप कर सकते हो तो आपको चॉइस है कि आप जो अच्छा लगे आपको वो करना पर पुशअप बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो जाता है तो आप मैं बोलती हूँ कि आप भी शुरू शुरू हैं तो आप वॉल प्रेस टेक्निक ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है पुशअप का भी वीडियो मैं डाल देती हूँ यहाँ पे इमेज डाल देती हूँ पुशअप का तो पुशअप ऐसे करते हैं और वॉल वॉल प्रेस वाला टेक्निक मैंने पहले डाल दिया था उसके बाद फिर था कोबरा पोज तो कोबरा पोज के लिए हमें पेट के बल लेट जाना उसके बाद फिर हम अपने कमर के बल से ऐसे उठेंगे तो यहाँ पे रहा कोबरा का पोज का एक्सरसाइज कैसे करते हैं उसका इमेज तो ऐसे करते हैं इसे मैं करती थी टू मिनट्स के लिए होल्ड करना रहता है इसमें जब अप हो गया ना तो फाइव सिक्स सेकेंड्स के लिए होल्ड करना फिर नॉर्मल पोजिशन में आना फिर दोबारा करना तो ये टू मिनट्स के लिए आप करना मैं टू मिनट्स के लिए करती थी उसके बाद उसके बाद हम करेंगे प्लैंक तो प्लैंक में ना फिर से अपने पेट के बल लेटना है उसके बाद फिर ये हाथ से हमें अपने आप को स्टिफ रखना है और प्लैंक करना है तो प्लैंक करने के का बहुत ही अच्छा फ़ायदा है बहुत ही अच्छा रहता है प्लैंक तो आपको जरूर करना चाहिए प्लैंक जितना ज़्यादा आप टाइम तक आप प्लैंक में होल्ड कर सकते हो उतना ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स रहता है उसका तो मैं तो ज़्यादा देर कर नहीं सकती थी मैं ज़्यादा ज़्यादा वन मिनट ही कर पाती हूँ उससे ज़्यादा होल्ड नहीं हो पाता है मैं से तो आप शुरू शुरू में आप फाइव सेकेंड टेन सेकेंड थर्टी सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड ऐसा ट्राई करके देखना तो फिर धीरे धीरे आपका भी टाइम इंक्रीज़ होते जाएगा तो प्लैंक करना है उसके बाद फिर मैं बताती हूँ ये तो अपर बॉडी के लिए था उसके बाद ये सब एक्सरसाइज करने के बाद मैं ना ये आधा घंटा में ये सब एक्सरसाइज मेरा हो जाता था ज़्यादा ज़्यादा लगता था फोर्टी फाइव मिनट्स उसके बाद फिर मैं करती थी ज़ुम्बा तो ज़ुम्बा के लिए मैं कोई क्लास नहीं जाती थी मैं घर पर ही ज़ुम्बा करती थी तो ज़ुम्बा करने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं तो मैं बता देती हूँ और ना ज़ुम्बा जब करोगे ना तो बहुत ही फन वे पे करना ताकि अब मज़े लेके करना मज़े लेके इन द सेंस कि ना आप इंजॉय करना इन्जॉय करना जुम्बा डांस करते करते मुझे डांस बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़ुम्बा डांस करने में मैं कभी भी लेज़ी नहीं होती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है तो आप जैसा जितना इन्जॉय करोगे ना उतना ज़्यादा ही स्टिक होकर रहोगे आप उसमें तो आप ज़रूर ट्राई करना कि आप इंजॉय के साथ करो ज़ुम्बा तो ज़ुम्बा करने के बहुत सारे फायदे हैं एक तो यही कि आप फन वे पे करोगे ना तो उतना दिन तक आप उस पर स्टिक रहोगे तो इसलिए फन वे पे करना तो मैं जब जब एक्सरसाइज करती थी तब तक रोज़ ज़ुम्बा भी करती थी डाइट भी लेती थी एक्सरसाइज भी करती थी और ज़ुम्बा भी करती थी तो ये तीनों रूटीन मेरा रोज़

जब ज़ुम्बा करोगे ना तो आप स्ट्रेस को भूल जाओगे रिलीफ फ़ील होता है इसलिए ज़ुम्बा करना और फील गुड बहुत ही अच्छा फील होता है हैप्पी रहोगे रिफ्रेश रहोगे पूरे दिन तो बहुत ही अच्छा रहता है इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है कोई स्ट्रेस नहीं लेना है बस अच्छे से रहना हैप्पी फील करना है फिर थर्ड है ये हार्ट हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा करता है और ना ये फुल बॉडी वर्कआउट है ज़ुम्बा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये तो इसका बेनिफिट्स आप जाएँगे तो ये दोनों चीज़ ज़रूर करना और आप बोल रहे हो कि ज़ुम्बा कहाँ से करें तो मैं ना जो ज़ुम्बा वीडियो देख के मैं करती थी ना उसका मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी आप ज़रूर चेकआउट करना बहुत ही अच्छा रहता है तो वो लिंक आप ज़रूर चेक करना और ज़ुम्बा करने के लिए रेडी हो जाइए डाइट लीजिए और ज़ुम्बा करिए एक्सरसाइज करिए कुछ भी नाइट छोड़ना है और आपका वेट जल्दी से जल्दी गेन होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आए तो आप कभी मिस ना कर पाओ और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी सो स्टे टून और अगर आपको कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय टेक केयर